अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही आसान मज़ेदार सूप। सर्दियाँ जैसे ही स्टार्ट होती हैं, जगह जगह मार्केट्स में आपको सूप के स्टॉल नज़र आते हैं, लोग खूब इंजॉय करते हैं। तो हम ये मज़ेदार सा सूप घर में तैयार करेंगे, जो कि बनाना बहुत आसान है, और ये है एग ड्रॉप सूप। तो चले आए इस सादा और आसान से सूप की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सूप बनाने से पहले कुछ छोटी मोटी तैयारियां कर लें। उसके लिए ये देखिए, मैंने एक बाउल में 3 अंडे लिए हैं। इसमें हम डालते हैं तकरीबन 1 चम्मच पानी और इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। अंडे हमने बीट कर लिए हैं। अब ये है कॉर्नफ्लोर। सूप को शाइन देने के लिए, थोड़ा सारा गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर का यूज़ होता है। तो ये तकरीबन आधा कप कॉर्नफ्लोर है, इसमें ये मैं पानी डाल के इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये एक पैन में मैंने 14 कप यखनी के डाले हैं उबलने के लिए। जैसे ही इसमें बॉईल आता है, हम इसमें सब्जियाँ डालेंगे। ये देखें, यखनी ने बॉईल होना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पे हम ये 1 कप जो है गाजर, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये डाल देते हैं और 1 आदमी के लिए इसको कुक करते हैं। एग ड्रॉप सूप वैसे तो सादा ही तैयार होता है, इसकी कई किस्में हैं, जिसमें मैं जो बनाने लगी हूँ वो चिकन और वेजिटेबल के साथ बनाने लगी हूँ। गाजर डालने के साथ ही इसमें ये 1 कप उबला हुआ चिकन है, ये भी डाल दें। एक मिनट बाद इसमें ये बंद गोभी है, ये भी चॉप की हुई है, ये डाल दें। और साथ ही इसमें हम ये टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालते हैं। थोड़ा सा नमक मैंने यखनी में भी डाला था, और ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ये थोड़ा सा डाल दें। साथ में इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं, ये हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, 3-4 चम्मच इसके डाल दें। थोड़ी सी हॉट सॉस, थोड़ी सी इसमें हॉट सॉस डालें। ये सारी चीज़ें आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालनी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालते हैं, जिसको मैंने ये तैयार करके रखा हुआ है। ये जितना आपने इसको थिक रखना है, उसी हिसाब से इसको डाल दें। थोड़ा सारा डाल के चेक करें, फिर ज़रूरत पड़ी तो हम और ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ये अंडे डालेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे और साथ साथ हमने चम्मच को भी चलाते जाना है। इस तरह ये करें, इसको घुमाएँ। एंड में ये थोड़ा सारा इसमें हम ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास तिलों का तेल है तो वो डालें, मेरे पास इस वक्त नहीं है तो मैं दूसरा ही डाल रही हूँ। और इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दें। तो ये मज़ेदार सूप रेडी है सर्व होने के लिए। ले जी, गर्मा गर्म एग ड्रॉप सूप रेडी है सर्व करने के लिए। ये बहुत टेस्टी तैयार हुआ है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।